नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हेडिंग डाल दो आप प्रोडक्ट सीरीज प्रोडक्ट सीरीज जब आपके पास में टू सीरीज के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं आप कैसे दो बाइनोमियल कॉफिशेंट मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो मींस हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट मिल सकते हैं इसको सिंपल ले लेता हूं एन सी जीरो इंटू एन सी वन एनसी वन इंटू एन सी टू एन सी टू इंटू एन सी थ्री एंड सॉन इस तरह से कुछ मिल सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है एन सी जीरो का स्क्वायर एनसी वन का स्क्वायर एनसी टू का स्क्वायर एनसी थ्री स्क्वायर प्लस एंड सोन या ऐसे हो सकता है नंबर थ्री एन सी जीरो एन सी एन एन सी वन एन सी एन माइनस वन एन सी टू एन सी एन माइनस टू प्लस एंड सोन या ऐसे भी हो सकता है एन सी जीरो का स्क्वायर माइनस एनसी वन का स्क्वायर एनसी टू का स्क्वायर माइनस एनसी थ्री का स्क्वायर प्लस एंड सोन या कोई और फॉर्म भी हो सकती है एन सी जीरो इंटू एन सी एन माइनस एन सी वन इंटू एन सी एन माइनस वन प्लस एंड सोन ऐसा कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइप की इक्वेशन हो सकती है तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ठीक है तो आप एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिख लो तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप आती है ना नंबर वन टाइप व्हेन डिफरेंस ऑफ लोअर सफिक्स आर सेम जब लोअर सफिक्सेस का डिफरेंस सेम हो तो आप करोगे क्या अभी एग्जांपल से समझा दूंगा कैसे तो आपको करना क्या होगा टू मेथड होंगे या तो होगा वन प्लस एक्स की पावर एन इंटू एक्स प्लस वन की पावर एन इसका एक्सपेंशन और इसके एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करना है कैसे अभी समझा दूंगा या फिर ऐसा हो सकता है वन प्लस एक्स की पावर एन इंटू एक्स माइनस वन की पावर एन को मल्टीप्लाई करना है कैसे क्वेश्चन लिख करके समझाता हूं देखो मान लो मेरे पास में क्वेश्चन ये आ जाता है फाइंड एन सी जीरो का स्क्वायर एन सी वन का स्क्वायर एन सी टू का स्क्वायर एन सी थ्री का स्क्वायर प्लस एंड सौ अब देखो ये इसका रियलिटी में मीनिंग क्या है c जीरो इंटू c जीरो रियल में तो यही है ना एनसी जीरो इंटू एन सी जीरो और इसका मीनिंग क्या है c वन इंटू एनसी वन एन सी टू इन टू एनसी टू प्लस एंड अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लो इट इज जीरो इन टू का डिफरेंस लो इट इज जीरो इन टू का डिफरेंस लो इट इज इक्वल टू जीरो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको क्या करना होगा वन प्लस एक्स की पावर एन और एक्स प्लस वन की पावर एन की मल्टीप्लाई करनी है और कंपेयर करना है कैसे समझाऊंगा या फिर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए एन सी जीरो इन एन सी वन एन सी वन इंटू एन सी टू एनसी टू इंटू एनसी थ्री प्लस एंड सोन इनका डिफरेंस क्या है वन इसका डिफरेंस वन इसका डिफरेंस वन तब भी आपको इन टू की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी या फिर ऐसा आ जाए एन सी जीरो इंटू एन सी वन माइनस एन एनसी जीरो इंटू एनसी माइनस एन सी वन इंटू एन सी थ्री प्लस एन सी वन इंटू एनसी फोर इधर वन हो गया ना तो इधर टू आ जाएगा माइनस एनसी थ्री इंटू एन सी फाइव यहां पर डिफरेंस देखो टू टू का गैप है लेकिन बीच के साइन अल्टरनेट है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको इस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करने से वन आएगा पॉजिटिव वन आएगा नेगेटिव तो आपको क्वेश्चन को देखना है कि उनके लोअर सफिक्सेस का डिफरेंस सेम है तो आपको यह रूल अप्लाई करने होंगे या तो ये मल्टीप्लाई या ये मल्टीप्लाई कैसे अब एक क्वेश्चन करके दिखाता तो हूं यह सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है नोट कर लो एक बारी जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास फाइंड फर्स्ट एकदम सिंपल सा ले रहा हूं एन जीरो स्क्वायर एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर एंड सो ऑन सी एन का स्क्वायर ये पूछा है तो देखो जीरो और एनसी जीरो इंटू एन सी जीरो डिफरेंस सेम है जीरो तो जीरो का जीरो इधर एनसी वन इंटू एनसी वन तो वन और वन का डिफरेंस जीरो तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ वन प्लस एक्स की पावर एन होता है एन जीरो प्लस एन वन एक्स प्लस एन टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सोन लास्ट तक जाओगे तो इट विल बी एन सी एन एक्स टू पावर एन ऐसे एक्स प्लस वन की पावर एन करोगे तो इट विल बी एन सी जीरो एक्स टू पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स टू पावर एन माइनस टू प्लस एन सी थ्री एक्स टू पावर एन माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन लास्ट में आ जाएगा एनसी एन एक्स टू दावर जीरो क्योंकि एक्स आएगा ही नहीं क्लियर अब आप क्या करोगे इन टू की मल्टीप्लाई कर दो इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन और इसको दे दो टू मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू देन यू विल गेट वन प्लस एक्स टू दी पावर एन इन वन प्लस एक्स टू दी होल पावर एन इट इज इक्वल टू वन प्लस एक्स टू दी पावर टू एन ओके नाउ देखो, रिक्वायरमेंट इज एन सी जीरो का स्क्वायर तो अगर आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा एनसी जीरो इंटू एनसी जीरो लेकिन मल्टीप्लाई में कौन आएगा एक्स की पावर एन और नेक्स्ट चाहिए एनसी वन का स्क्वायर तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर n माइनस वन इंटू एक्स की पावर वन तो इनकी मल्टीप्लाई से भी कौन आने वाला है x की पावर n आप इसकी इसकी और मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि मल्टीप्लाई तो सबकी होगी इधर एन प्लस वन एलिमेंट है तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो आपको उस केस के लिए करना क्या है आपको जो जरूरत है उसको चेक करना है अगर आप इन टू की मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स की पावर एन आता है तो देखो एन जीरो का स्क्वायर जब आएगा तो मल्टीप्लाई में कौन आएगा x की पावर n प्लस एनसी वन का स्क्वायर तब भी कौन आएगा x की पावर n प्लस एन सी टू का स्क्वायर तब भी कौन आएगा x की पावर n एंड सो लास्ट तक कौन आएगा एनसी एन आप इन टू की मल्टीप्लाई कर दो तब भी बाहर x की पावर n रहेगा ओ टर्म्स आ रही है तो आने दो प्लस अदर टर्म्स अदर टर्म्स यू विल ऑब्टेन ल ऑप्टेन अदर टर्म्स बट आवर मेन टारगेट इज हियर और उसका कॉफिशियंट कौन है एक्स टू दावर एन तो जब आप यहां से एक्स की पावर एन का कॉफिशियंट फाइंड करते हो तो फाइंड कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू दावर एन बोथ साइड यहां पर एक्स की पावर एन का कॉफिशियंट हुआ एनसी जीरो का स्क्वायर एन सी वन स्क्वायर एन सी टू स्क्वायर प्लस एन सॉन कौन आएगा आप निकाल के देख लो इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो जनरल टर्म क्या आती है पावर टू एन की टू एन सी आर एक्स टू दी पावर आर ये जनरल टर्म होगी क्योंकि पावर टू एन तो हमें एक्स की पावर एन चाहिए तो टू एन सी एन एक्स टू दावर एन तो एक्स की पार एन काफिशियंट कौन हुआ एन सी एन दिस वन इज दल टर्म आप लिख देना पावर आर पर हमें चाहिए एक्स की पावर एन तो आर की जगह एन तो एन पुट कर दोन एक्स टू दी पावर एन तो दोनों तरफ कॉफिशियंट कौन आ गए यहां से यह आ गया इसका आंसर यह आया क्वेश्चन टिपिकल नहीं है क्वेश्चन ट्रिकी होता है बस आपकी प्रैक्टिस है डिपेंड करती है आपने कितनी कर ली आपने कितनी प्रैक्टिस करी उस पर डिपेंड करेगा ठीक है आई थिंक समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करो ठीक है चलो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन दिस वन इज एन सी जीरो इंटू एन सी टू एन सी वन इंटू एन सी थ्री एन सी टू इंटू एन सी फोर प्लस एंड सॉन वट वि रिजल्ट लेट्स ट्राई एंड सोन लिख दिया मतलब लास्ट तक जा रहे हैं अपन आगे के टर्म लिखो ना लिखो इट ड मैटर ठीक है नो वाच दिस अब देखो आपको करना क्या है यहां पर भी डिफरेंस तो वही ही टू टू का ही है पहले जीरो का डिफरेंस था इस बार डिफरेंस टू का है तो आपके पास जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वन और टू को तो हमारे काम की जो टर्म आएगी हमें वही चाहिए क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा सो इट विल बिकम देखो एनसी जीरो की मुझे मल्टीप्लीकेशन किससे चाहिए एनसी टू से सो एनसी जीरो इन एनसी टू यहां पर एक्स की पावर जीरो इधर एक्स की पावर एन माइनस टू सो मल्टीप्लाई करते ही एनसी जीरो इन एनसी टू नो एनसी वन इंटू एनसी थ्री सो इट विल बिकम एक्स की पावर वन और एन माइनस थ्री मिलकर के कितने एक्स की पावर एन माइनस टू तो एनसी वन इंटू एन सी थ्री ऐसे ही एन सी टू इंटू आगे एन सी फोर होगा प्लस एंड सॉन एक्स टू दी पावर ओवरऑल कौन बच रहा है एन माइनस टू तो हमारी डिमांड में एन माइनस टू आया तो आप क्या करोगे यहां से मुझे x की पावर n माइनस टू चाहिए तो मैं यहां पर भी x की पावर n माइनस टू का कॉफिशियंट फाइंड करूंगा कॉफिशियंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस टू कैसे मिलेगा मुझे टू एन सी एन माइनस टू इट इज इक्वल टू एन सी जीरो इंटू एनसी टू एन सी वन इंटू एन सी थ्री प्लस एनसी फोर इंटू एन सी सॉरी एन सी टू इंटू एनसी फोर प्लस एंड सोन अच्छा मान लो मान लो कोई आंसर ये लिख देते ना टू एन में से आप इसको सप्रैक्ट कर दो टू एन माइनस एन माइनस टू तो क्या बनेगा टू एन सी टू एन में से एन गया एन माइनस ऑफ माइनस प्लस टू तो इट विल बिकम एन प्लस टू तो ये भी इसका सही आंसर है अगर ये आंसर पेपर में आ जाता है तो दिस वन इज आल्सो राइट आंसर और ये आंसर है तो भी राइट right है बोथ आंसर आर राइट तो इट मे भी पॉसिबल मल्टीपल चॉइस हो जाए तो दीज बोथ आंसर अब देखो आपके इनके बीच में गैप कितने कितने का टू टू है तो आंसर में क्या रहा है टू एन सी एन माइनस टू टू एन सी एन प्लस टू अगर यही जीरो थ्री वन फोर टू फाइव होता तो आंसर आ जाता टू एन सी एन माइनस थ्री टू एन सी एन माइनस एन प्लस थ्री अगर फोर फोर का होता तो टू एन सी एन माइनस फोर टू एन सी एन प्लस फोर ओके आई थिंक समझ में आ गया होगा नोट डाउन क्वेश्चन है नाउ वन मोर क्वेश्चन क्वेश्चन इज एन सी जीरो इन टू एम सी थ्री इधर एम है प्लस एन सी वन इंटू एम सी फोर प्लस एन सी टू इंटू एम सी फाइव प्लस एंड सॉन अच्छा जरूरी नहीं है पेपर में इस तरह से दिया हुआ यह ऐसे भी हो सकता है सिर्फ इस तरह से देकर के सिग्मा एन सी आर एम सी आर प्लस थ्री जहां पर आर की वैल्यू जा रही है जीरो से लेकर देखो आर एन तक जाएगा लास्ट तक जीरो वन टू थ्री फोर एंड सोन हालांकि ऐसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कम है जिसमें एन और एम दोनों हो बाकियों में होती है ठीक है आप एक बार तो ऐसे ही लिख लो आपको समझने में इजी रहेगा बाकी बाइनोमियल में कोफिशिएंट्स के ऊपर कितनी प्रॉपर्टी बन सकती है चलो देखो अब इधर क्या था एनसी जीरो तो करना क्या है पावर एन का एक्सपेंशन करना है इट विल बी ऐसे ही इधर एक्स प्लस वन टू दावर एम इट इज इक्वल टू एम सी जीरो एक्स टू पावर एम प्लस

हुआ क्या इट विल बिकम लाइक दैट वेन वी मल्टीप्लाई तो क्या आएगा मल्टीप्लाई और देखो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं और कंपेयर क्या करना है वन प्लस एक्स की पावर एन इंटू एक्स प्लस वन की पावर एन कैन बी रिटर्न एक्स टू दी पावर एम प्लस एन यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे चाहिए एनसी जीरो के साथ में एमसी थ्री मीन्स इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी एन सी जीरो इंटू एम सी थ्री प्लस एन सी वन इंटू एम सी फोर प्लस एंड सोन और यहां पर कॉफिशियंट देखो जीरो और इसको कंबाइंड करते ही एक्स टू दावर एम माइनस थ्री आ रही है आएंगे तो और भी टर्म लेकिन मैं सिर्फ फोकस उस पर कर रहा हूं जो मुझे चाहिए जब आप इसको और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी पावर कंबाइंड करने पर एक्स की पावर एम माइनस थ्री आएगी सो so, ऑफिशियंट ऑफ x टू दी पावर m माइनस थ्री बोथ साइड बस हो गया काम यहां तो आएगा एनसी जीरो एम सी थ्री प्लस एन सी वन एम सी फोर प्लस एन सी टू इंटू एम सी फाइव प्लस एंड सोन और यहां से कौन आएगा एम प्लस एन सी एम माइनस थ्री दिस वन इज द राइट आंसर अब हो सकता है इट मे भी पॉसिबल आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो ये भी आंसर राइट right है एम प्लस एन माइनस ये करते क्या आया एम एम कैंसल एन प्लस थ्री राइट आंसर ये भी सही आंसर है क्यों अगर आप वन प्लस एक्स की पावर एम और एक्स प्लस वन की पावर एन कर देते हो तो आपके में ये वाला आंसर आ जाएगा तो इट ऑलवेज डिपेंड ऑन कि आप मल्टीप्लाई किस सीक्वेंस में कर रहे हो बस आपको यह चेक करना आना चाहिए ठीक है नोट डाउन फास्ट यस ना नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन इस पर हम हल्का सा चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन इज फाइंड एन सी जीरो इंटू एन सी वन माइनस एन सी वन इंटू एन सी टू प्लस एनसी वन इंटू एन सी थ्री एंड माइनस एंड सोन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सोन हमें ये फाइंड करना है तो करेंगे कैसे अब क्या करो सॉल्यूशन। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता ना देन वन प्लस एक्स टू पावर एन कैन बी रिटर्न एज एनसी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी फोर एक्स टू दावर फोर प्लस एंड सॉन एंड हियर

ठीक है तो एनसी जीरो का मल्टीप्लीकेशन मुझे एनसी वन से चाहिए अब कहीं सोचेगा इधर तो माइनस आ जाएगा तो आने दो अच्छा अगर मान लो तुम्हारे को ऐसे कंफ्यूजन हो ना तो आप यहां से भी देख सकते हो इसको इसके साथ इसको इसके साथ, इसको इसके इसके साथ साथ तब भी आपका काम चल सकता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता इसको इधर चेक करो या इसको इधर चेक करो रिजल्ट सेम बनना चाहिए मतलब आ, उनका जो डिफरेंट टर्म सेम बन जानी चाहिए जैसे आप इसको और इसको कंबाइंड करते हो मान लो यू नहीं देख करके ऐसे देख रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या हुआ मल्टीप्लाई तो देखो x माइनस वन की पावर एन एक्स प्लस वन की पावर एन कैन बी रिटर्न x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन की होल पावर एन इट विल बी जो जरूरत है वही देखूंगा एनसी जीरो एक्स की पावर एन इंटू एक्स एन सी वन एक्स सो एनसी जीरो इंटू एन सी वन कोई सोच रहा होगा इधर नहीं देख करके यू देख रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा एनसी जीरो इंटू एनसी वन माइनस एनसी वन इंटू एनसी टू प्लस एनसी टू इंटू एनसी थ्री एंड सॉन और मल्टीप्लाई में देखो क्या आ रहा है एक्स की पावर एन इधर वन तो मिल करके एक्स टू दी पावर एन प्लस वन इधर एन माइनस वन इधर एक्स की पावर टू तो मिलकर के एक्स टू दावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टू दी पावर एन प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस वन नाउ इट विल बिकम एक्स माइनस वन टू पावर एन और ये सेम है प्लस और भी टर्म्स आ रही है हमें उनसे कोई लेना देना नहीं यहां पर ये एज इट इज लिख देना एक्स टू पावर एन प्लस वन तो हमारा जो मेन टारगेट है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बोथ साइड अब सुनो इधर हल्की सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि पिछला तो वन प्लस एक्स की पावर एन था तो आपने सीधा निकाल दिया था इसकी जनरल टर्म लिखो इधर तो यही आने वाला है एन सी जीरो इंटू एनसी वन एन सी वन इंटू एनसी टू प्लस एंड सोन यहां से कौन सी जनरल टर्म आएगी आई कैन राइट हियर टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स स्क्वायर टू दावर एन माइनस आर सो इट विल बिकम एन सी आर एक्स टू दावर टू एन माइनस टू आर बट मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए क्या एन प्लस वन सो टू एन माइनस टू आर शुड बी इक्वल टू एन प्लस वन तो आर की वैल्यू फाइंड कर लो इस टू आर को उधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ सो टू एन माइनस एन माइनस वन इक्वल टू टू आर कैन बी रिटर्न माइनस वन सो आर इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू अब सुनो आर <coughs> की वैल्यू एन माइनस वन बाई टू आई तो इसका कॉफिशंट कौन आ रहा है एन सी एन माइनस वन बाई टू अच्छा माइनस वन की पावर आर और आएगा इसमें बाहर तो माइनस वन की पावर आर आर कितना है एन माइनस वन बाई टू माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई टू अब वो डिपेंड करेगा एन क्या आ रहा है उस पर कुछ अगर मिस्टेक नहीं हुई है तो टू एन टू आर उधर गया ये इधर आ गया एन माइनस वन बाई टू हां ठीक है आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं है ठीक है अब आप एन को अलग अलग वैल्यूज देते हुए चलोगे आपके ऐसे वैल्यू आती रहेगी एक बार वन रखोगे एक बार टू रखोगे एक बार थ्री रखोगे एक बार फोर रखोगे पता नहीं मुझे कुछ फील हो रहा है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी दोबारा चेक कर देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन इट कैन बी रिटर्न एज एन सी आर एक्स स्क्वायर टू दावर एन माइनस आर इंटू माइनस वन की पावर आर माइनस so, वन की पावर आर एनसीआर पावर टू एन माइनस टू आर ठीक है टू एन माइनस टू आर को एन प्लस वन के इक्वल रखना है क्योंकि यहां से एन प्लस वन चाहिए सो टू आर इक्वल टू टू एन माइनस एन माइनस वन टू एन से एन कैंसल एन माइनस वन तो आर इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू पुट किया इधर यस yes. ठीक है ठीक है अब आपको जो टर्म निकालनी हो वो अपने आप ही आंसर में आ जाएगी ओके आई थिंक समझ में ये आ गया होगा नोट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इट इज इक्वल टू क्वेश्चन एनसी जीरो इंटू एनसी एन प्लस एनसी वन इंटू एन सी एन माइनस वन प्लस एन सी टू इंटू एनसी एन माइनस टू प्लस एंड सॉन अब अगर आप इन दोनों का एडिशन देखो ना तो इनका एडिशन सेम है अब कई जने तो इसको वैसे भी कर सकते हैं कि सर हमें तो एडिशन सेम चाहिए ही नहीं मैं इसको अब एक तो तरीका है कि आप इसको सॉल्व करो एन जीरो एनसीएन एनसी जो भी करके और एक तरीका यह है कि आप कह दो नहीं सर मैं तो इसको ऐसे ही कर लूंगा ना एन सी जीरो एन सी वन और यह भी एनसीएन सी एन माइनस वन वन टू एनसी एन माइनस टू बी एनसी टू एंड सोन अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो ये तो हम कर चुके हैं ना पहले एनसी जीरो का स्क्वायर सॉरी एनसी जीरो का स्क्वायर एनसी वन का स्क्वायर स्क्वायर का आप इससे कर सकते हो और आपका आंसर आ गया मान लो दिमाग में क्लिक नहीं करा फंस गए तो क्या करें तो देखो अब मान लो वो दिमाग में उस टाइम पर क्लिक नहीं करा तो भी ये तो पता है मल्टीप्लाई है तो एक लिख दो वन प्लस एक्स की पावर एन इट इज इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सोन लास्ट जागा एन सी एन एक्स की पावर एन और अब दोबारा से लिखो वन प्लस एक्स की पावर एन ये भी यही होगा एन सी जीरो एन सी वन एक्स प्लस एंड सॉन लेकिन लास्ट वाला नंबर क्या आने वाला है एन सी एन एक्स टू दी पावर एन इससे पहले वाला एन सी एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इससे पीछे एन सी एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस एन सोन अब जो मेरी डिमांड है वो मल्टीप्लाई की है वापस मल्टीप्लाई तो क्या आया वन प्लस एक्स की होल पावर टू एन देखो इसका मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए तो इधर एक्स की पावर जीरो इधर एक्स की पावर एन है तो कौन सा मुझे चाहिए x टू पावर n वाला इधर x की पावर एनसी वन है इधर एनसीएन माइनस वन है इन टू को कंबाइंड करोगे तो भी कौन आएगा x? इधर x की पावर n माइनस वन मिलकर के क्या होगा x की पावर n सो इट इज इक्वल टू एनसी जीरो इन टू एन सी एन माइनस वन प्लस एनसी वन इंटू एनसी सॉरी एन सी जीरो एन सी एन प्लस एंड सोन अगेन एक्स की पावर एन काफिशियंट तो अपना आंसर क्या आया कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन यहां से निकाल देना टू एन सी एन और यहां पर तो ये है ये इसका आंसर भी सेल। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे पेपर के अंदर तो डरना मत ये सारी जो चीजें अभी करिए ना इन सबको रिवाइज कर लो आपके आंसर हमेशा राइट आएंगे ठीक है नोट कर लो